नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भूकंप को लेकर। पृथ्वी पर मच रही है उथल पुथल। अभी अभी अफगानिस्तान, नेपाल और भारत में फिर भूकंप की घटना देखी गई है। बता दें कि 24 घंटे पहले भी नेपाल के अंदर भूकंप आया है, जबकि 3 नवंबर से लगातार नेपाल के अलग अलग इलाकों में भूकंप की घटना देखने को मिल रही है, जिसके चलते नेपाल के अंदर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और भारत के दोस्तों लगभग 10 राज्यों में भूकंप की घटना सबसे ज्यादा देखी जा रही है। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में अलग अलग दिन दोस्तों भूकंप की घटना देखने को मिल रही है, जिससे लोग भी दहशत में आ गए हैं। बता दें कि और बड़े भूकंप की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत ही बड़ा भयानक भूकंप अब आ सकता है। बता दें कि पहले ही कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है कि दोस्तों भयंकर भूकंप आ सकता है। और अभी अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर 3.2 की रफ्तार से भूकंप आया है, जबकि उत्तराखंड के अंदर शक्तिशाली भूकंप की चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि 24 घंटे पहले नेपाल के अंदर भी भूकंप आया है, जबकि दोस्तों नेपाल के अंदर 4 नवंबर को भयंकर भूकंप के चलते लगभग 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल के अंदर जब भी भूकंप आ रहा है, इसका दोस्तों असर भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर भी भूकंप की घटना देखी गई है और इस समय दोस्तों कई राज्यों में अंधेरा छाया हुआ है। बता दें कि दिवाली का त्योहार शुरू हो गया है, आज धनतेरस है। बाजारों में दोस्तों रौनक छाई हुई है, लेकिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से खराब है। राजस्थान, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के अंदर तेज रफ्तार से बारिश और दोस्तों आंधी तूफान चल रहा है। उधर राजधानी दिल्ली के अंदर शाम तक आज दोस्तों तूफानी बारिश हो सकती है और लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। बता दें कि भूकंप को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है वैज्ञानिकों ने। कहा है कि भारत के अंदर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। अब ये भूकंप कब आएगा और इसकी तीव्रता क्या होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।